दिल से चाहती हूँ कि एक बार जरूर वापस आए, प्लीज। सच में बहुत अच्छा लगा, आपने हक दिया था मुझे। अगर हमने गुस्से में आगे पीछे कुछ बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो, तो श्री प्लीज हमें माफ करना। आप बड़े हैं, आपके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज जिसने मुझे और सिंगल्स की टीम को मेरी तरफ से कनेक्ट करके रखा था, वो श्री थी। मैं तो आते भड़कते रहे यार, मैंने कभी उनको बताया ही नहीं। I was in immense love with him. यहाँ पे आके मुझे वो सीरियसली अच्छे लगने लगे। आओ यारो तुम्हें सुनाऊं अपनी कहानी, अपनी कहानी। इसने ना जाना ना पहचाना, उसे है सुनानी अपनी कहानी। एक लड़का था उसके अंदर भरा समंदर, क्रिकेट का शोला भड़का था। उसे जुनू था भारत माँ के मान बढ़ाने का, नीली जर्सी पहन के मैदान में जाने का। उसके पीछे उसने झोंकी अपनी जिंदगानी। आओ यारो तुम्हें सुनाऊं अपनी कहानी। कप्तानी के कार्य के दौरान शिवाशीष ने हाथ बदल कर दोबारा रिंग पकड़ी थी, यह उसी के बारे में बात हो रही है। इन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, ये उठ के आए, ये भी हंसने लगे। मैंने बोला सौरभ सिंपल है, आज आपने बहुत कुछ कवर किया, मुझे लेके इधर लेके। ये हमको बोला कि तुझे मेरी कसम है तू ये बात मत बोल। अगर ये स्ट्रेटजी है और मैंने वो बात माना ही, मुझे अपने आप पे गर्व है कि किसी बंदे ने मुझे अपना कसम दे दिया और मैंने वो बात नहीं। आपने बोला मैं कसम लेता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। अरे यार तो सबको पता चल चुका था ना, तब हम कहाँ गलत हुए, हमको बस इतना बताइए। क्या वो इंसान जो सच को छुपाने के लिए कसम दे रहा है, क्या वो ज्यादा गलत है? सब आपके पास ही रखी हो। I swear of my mother, मेरे सामने बोलो ना। अरे बता दे हाँ के ना, देखा के नहीं, मैं तो तेरे देखने में बोला। यही बात मेरे नजरों में आंखें डाल के बोल दे भाई, तूने नहीं देखा? तेरे जैसा फर्जी इंसान मैंने पूरे बिग बॉस घर में नहीं देखा। साला झूठा एक नंबर का। ए साला आला मत बोलना, साला आला मत बोलना, समझा? गाली वाली से बात मत करना। चार मत, साला आला मत बोलना दोबारा, समझा? तेरे से 465 घूमते। ए चल कल मत बोलना दोबारा। यार क्या यार, ये गाली वाली से बात कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, फर्जी इंसान है। गाली बकरा कदम कर सकता है। कल भी बोले कि किसी की गाली सुन के रहूंगा यार, इतनी एज है यार उसकी, देखने चाहिए उसको। सो वेलकम टू द सुल्तानी अखाड़ा। जीतने वाले को मिलेगा एक स्पेशल पावर, और वो पावर ये है कि पूरे हफ्ते जीतने वाले के हिस्से का सारा काम हारने वाले को पूरा करना पड़ेगा। ये अपनी गलतियों को नहीं देखते, दूसरों की गलतियों को देखते हैं और डिप्लोमेटिक होते हैं बहुत ज्यादा सबसे संबंध बनाने के चक्कर में। मैं डिप्लोमेटिक हूँ लेकिन मैं आई सच्चा तो हूँ। अनूप जी ने आपको सही टाइटल दिया था, सच्चे का टाइटल, बिकॉज ये इतना झूठ बोलते हैं। आई थिंक इस सीजन में तो क्या, सारे 12 सीजन में सबसे झूठे इंसान तो ये निकले सर। ये है सर, मीठी छुड़ी जहर हर जगह फैलाते हैं सर। दीपक बेचेंगे अनूप, जसलीन, छुरी एंड कद्दू, क्योंकि छुरी जब भी चलाओ कद्दू ही कटता है। ये जो प्रोडक्ट है दोनों, इनसे इनकी खुद की कई बातें भी कट जाती है। और ये है कद्दू साहब, बहुत प्यारे गोल्ड मटोल लग रहे हैं। और ये ऐसे पहले कद्दू है जिनको कटने का शौक है छुरी से।